नवरात्रि पर्व का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। जब बात हो नवरात्रि पर्व की और इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में कैसे मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार, इसका जायजा लिया हमारी टीम ने। कहते हैं कि जो भगवान में आस्था रखते हैं और सच्चे दिल से जो मुराद मांगते हैं वह मुराद ज़रूर पूरी होती है। इसी आस्था का प्रमाण इंदौर में भी साक्षात मौजूद है। शहर के पश्चिम क्षेत्र में बना मां अन्नपूर्णा का मंदिर अपने भक्तों को निराश नहीं करता। यहां सच्चे दिल से दुआ करने वालों की झोली कभी खाली नहीं होती। अन्नपूर्णा मंदिर में आने वाले हर भक्त की मुराद यहां आकर पूरी हुई है। इंदौर का वर्षों पुराना यह अन्नपूर्णा मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में भारत, आर्य और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने मिलता है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। यह मंदिर हिंदुओं की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें भोजन की देवी माना जाता है। मंदिर परिसर के अंदर मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव, हनुमान जी और काल भैरव के अलग अलग मंदिर हैं। वहीं बाहरी दीवारों पर रंगीन पौराणिक छवियां बनी हुई हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण कमल में बैठे भगवान काशी की 14.5 फुट ऊंची प्रतिमा है। आर्य व द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से बना इंदौर स्थित प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। प्रभानंद स्वामी 57 साल पहले जयपुर से 3 फुट ऊंची मार्बल से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा लेकर आए थे, जिसकी स्थापना 21 फरवरी 1959 को की गई थी। यहाँ काफी श्रद्धालु आ रहे हैं क्योंकि अभी काफी टाइम से इस तरीके से पर्व नहीं मना पा रहे थे हम, और इस बार थोड़ा माहौल ठीक है तो पब्लिक अच्छी आ रही है। ये मंदिर लगभग 70 वर्ष पुराना है और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी, जो ब्रह्मलील हो गए गुरुदेव प्रभानंद गिरी जी महाराज जी, वो यहाँ तपस्या किया करते थे वन में, और माता जी की प्रेरणा हुई तो फिर उन्होंने अन्नपूर्णा माता की स्थापना की। ये माता पार्वती का ही एक रूप है और अन्न की देवी के रूप में माँ अन्नपूर्णा के नाम से इन्हें पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी अपने मन की मुराद, मतलब जो भी कामना करते हैं, वो उनकी पूरी होती है।